हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं स्ट्रेट स्टाइल मैगी। बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है, तो फ्रेंड्स आइए मैगी बनाना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज मैगी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक पैन, और पैन में डाल देंगे हम लगभग 2 ग्लास के आसपास पानी। गैस के फ्लेम को हमें हाई रखना है। मैंने यहाँ पे 2.5 पीस मैगी का लिया है। इसको हमें तोड़ना नहीं है और इससे छेड़छाड़ भी नहीं करनी है। पानी बॉईल होने लग गया है, अब हम आहिस्ता से मैगी की साइड को चेंज कर देंगे। एक चीज का ध्यान रखें कि मैगी हमें ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, मैगी हमारी बॉईल हो चुकी है और बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है और बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुई है। अब हम एक बड़े बर्तन में छलनी लगा करके मैगी को छान लेंगे। अब हमने लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, इसको मैगी पर डाल देंगे। मैगी को अच्छी तरीके से धो लेंगे ताकि हमारी जो मैगी है वो ओवर कुक ना हो। ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारी मैगी वाली चाउमीन बनके तैयार हुई है। बिल्कुल लंबी लंबी है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है। अब हम वापस से फ्राई पैन को गैस पे रखेंगे, पर उससे पहले आज हम मैगी में ही मसाले डाल लेंगे ताकि मिक्स करने में हमारी मैगी टूटे नहीं। देखिए हमारे नूडल्स कितने बढ़िया से तैयार हुए हैं, टूटे भी नहीं है, ओवर कुक भी नहीं हुए हैं। अब हम सबसे पहले इसमें इसी स्टेज पर मसाले मिला लेंगे। एक पाउच मैंने मैगी मसाला लिया है, उसको मैं यहीं पर डाल दूंगी। ये हमने लिया है रेड चिली सॉस 1.5 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस ये भी हम 1.5 टीस्पून डाल लेंगे, 1.5 स्पून टमाटो केचप, लगभग 1/2 स्पून के बराबर हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने का तरीका है आप इसको हाथ से मिक्स कीजिए ताकि जो हमारी मैगी नूडल्स हैं वो बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार हो जाएं, टूटे नहीं। अभी तो हमने मसाले ही ऐड किए हैं और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। आज हम स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज मैगी बना रहे हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। ये देखिए सभी मसाले मैंने मिला लिए हैं। वापस से हमने पैन को गैस पे रख दिया है। लगभग 2 टेबल स्पून के आसपास हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम डाल देंगे 4-5 कली बारीक कटी हुई लहसुन की, और गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे लो या मीडियम नहीं रखना है, हाई फ्लेम पे ही बनाना है। और स्ट्रीट स्टाइल नूडल बना रहे हैं तो इसमें हमने थोड़ी सी ग्रीन चिली भी डाल दी है बारीक कटी हुई। स्ट्रीट स्टाइल नूडल में ज्यादा सब्जियां अच्छी लगती हैं। आपके पास में जो भी सब्जियां हैं वो आप बारीक बारीक कट करके रख लें या लंबा लंबा कट करके रख लें और फिर इस मैगी को बनाएं, बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने यहाँ पे आधा गाजर कट करके रखा है, एक छोटे साइज की शिमला मिर्च मैंने कट करके रखी है, थोड़े से मेरे पास में प्रिजर्व मटर रखे हुए हैं, मैं इसमें मटर भी डाल रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए वरना स्किप कर दीजिए। सभी सब्जियों को मैंने साइड में रख दिया है ताकि ओवर कुक ना हो। अब हमने एक प्याज लंबे लंबे साइज में कट करके रखा है, इसको भी डाल देंगे, और प्याज को भी हमें हल्का सा ही भूनना है। सभी सब्जियों को हमने एक साथ डाल दिया है ताकि कोई भी सब्जी हमारी ऐसी ना हो जो ओवर कुक हो जाए। देखिए कितनी कलरफुल लग रही हैं हमारी सब्जियां। सब्जियों को हमें 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। अब हमने जो एक पैकेट मैगी का रख लिया था, इसको हम सब्जियों में डाल देंगे जो हमने तैयार की हैं सब्जियां, डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए जो मैगी मसाला है ये थोड़ा सा स्टिक हो जाता है, नहीं तो एकदम ड्राई निकलता है। ये देखिए मसाला हमने डाल के मिक्स कर लिया है। अब हमारे तैयार किए हुए नूडल्स को भी डाल देंगे। देखिए सब्जियों में मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 ग्लास के आसपास या लगभग ऐसे मान लीजिए 3 से 4 चम्मच हमें पानी डालना है। पानी हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है। इस स्टेज पर मैं 1 चम्मच
चिली सॉस और ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं ज्यादा स्पाइसी तो ऐड कीजिए वरना स्किप कर दीजिए। हमारा मैगी के लिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम तैयार की हुई मैगी को भी सब्जियों में ऐड कर देंगे। और मैगी को मिक्स करने के लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ, जो रोटी सेकने का चिमटा होता है इससे आप मिक्स कीजिए ताकि जो हमारे मैगी नूडल्स हैं वो टूटे नहीं। देखिए कितनी कलरफुल और स्पाइसी हमारी मैगी बनके तैयार हुई है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें हमें गैस के फ्लेम को हाई रखना है ताकि हमारी जो मैगी है वो ओवर कुक ना हो। देखिए इस तरह से, देखिए आप, मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार हमारी मैगी बनके तैयार हुई है। मैगी सब्जियों में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और कितनी कलरफुल लग रही है और स्पाइसी भी। हमारी गर्मा गर्म मैगी बिल्कुल रेडी है। आपके पास अगर हरे प्याज हैं तो आप थोड़ा सा हरा प्याज इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। धनिया पत्ती डालने के बाद एक बार मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी मैगी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और गर्मा गर्म हमारी स्ट्रीट स्टाइल मैगी तैयार है। आइए सर्व कर देते हैं। हमारी स्ट्रीट स्टाइल मैगी बिल्कुल रेडी है, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। एक बार आप रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।